नाउ वी विल डिस्कस इस्केमिक हार्ट डिजीज़ एक्यूट कॉर्नरी ऑक्लूजन। एक्यूट कॉर्नरी ऑक्लूजन में क्या होता है? कॉर्नरी आर्टरी की ऑक्लूजन को कहते हैं, और एक्यूट का मतलब सडन ऑक्लूजन, ठीक है। एक्यूट ऑक्लूजन ऑफ अ कॉर्नरी आर्टरी मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्स इन अ पर्सन हु ऑलरेडी हैज अंडरलाइंग एथरोस्क्लेरोटिक कॉर्नरी हार्ट डिजीज, बट ऑलमोस्ट नेवर इन अ पर्सन विद नॉर्मल कॉर्नरी सर्कुलेशन। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक्यूट कॉर्नरी ऑक्लूजन है वो फ्रिक्वेंटली उन लोगों में होती है जिनमें ऑलरेडी अंडरलाइंग एथरोस्क्लेरोटिक कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ प्रेजेंट हो, यानी पहले से ही उनमें उनकी कॉर्नरी आर्टरी में एथरोस्क्लेरोसिस चल रही हो। लेकिन अगर उसकी नॉर्मल सर्कुलेशन किसी इंसान की नॉर्मल है उसमें कभी भी एक्यूट कॉर्नरी ऑक्लूजन नहीं होती। एक्यूट ऑक्लूजन कैन रिजल्ट फ्रॉम एनी ऑफ सेवरल इफेक्ट्स, टू ऑफ विच आर नंबर वन। अब इसके दो इफेक्ट्स हैं। नंबर वन, द एथरोस्क्लेरोटिक प्लैक, यू कैन सी द फर्स्ट इफेक्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बस। अब थ्रोम्बस कैसे बनता है? द एथरोस्क्लेरोटिक प्लैक कैन कॉज अ लोकल ब्लड क्लॉट कॉल्ड अ थ्रोम्बस दैट ऑक्लूड्स द आर्टरी। द थ्रोम्बस यूजली अकर्स वेयर द आर्टेरियो स्क्लेरोटिक प्लैक हैज़ ब्रोकन थ्रू द एंडोथीलियम, thus coming in contact with the flowing blood. Because the plaque presents an unsmooth surface, blood platelets adhere to it, fibrin is deposited, and RBCs become entrapped to form a blood clot that grows until it occludes the vessels. Or the clot breaks away from its attachment on the atherosclerotic plaque and flows to a more peripheral branch of the coronary arterial tree where it blocks the artery at that point. Freely flowing thrombus is known as the coronary embolus in the coronary artery. ठीक हो गया। mechanism क्या है? Atherosclerotic plaque बनता है। Atherosclerotic plaque जो है उसकी rough surface है। मैंने आपको blood में पढ़ाया था कि जब भी blood vessel में rough surface होती है तो वहाँ पर blood platelets आ जाते हैं, platelet plaque formation होती है, क्लॉट फॉर्मेशन होना हो जाती है, फाइब्रिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, उसमें आरबीसीज भी इंट्रैप हो जाते हैं और ब्लड क्लॉट बन जाता है। ये ब्लड क्लॉट जो है ये अब अपनी साइड, जब तक ये एथरोस्क्लेरोटिक प्लैक के साथ अटैच रहता है, एंडोथीलियम के साथ अटैच रहता है, इसको थ्रोम्बस कहते हैं। जब ये वहाँ से ब्रेक अवे होता है तो इसको एम्बुलस कहते हैं, और एम्बुलस बॉडी में कहीं भी जा सकता है। और जब ये एम्बुलस जो है कॉर्नरी आर्टरीज में फ्लो करता है तो इसको कॉर्नरी एम्बुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्नरी एम्बुलस कहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा है रीज़न कॉर्नरी आर्टरी की एक्यूट ऑक्लूजन किस वजह से हो सकती है। दूसरी रीज़न है बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, स्पैज़म ऑफ दी कॉर्नरी आर्टरी, ठीक है। मैनी क्लिनिशियंस बिलीव दैट लोकल मस्कुलर स्पैज़म ऑफ अ कॉर्नरी आर्टरी कैन ऑल्सो अकर। द स्पैज़म कैन रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट इरीटेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द आर्टीरियल वॉल बाई द एजेस ऑफ एन आर्टीरियोस्क्लेरोटिक प्लैक, और फ्रॉम लोकल नर्वस रिफ्लेक्सेस दैट कॉज एक्सेसिव कॉर्नरी वैस्कुलर वॉल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक हो गया। दूसरी दो मेन रीजंस होगी एक्यूट कॉर्नरी ऑक्लूजन की, एक तो आर्टीरियोस्क्लेरोटिक प्लैक जो है उसके रफंड एजेस ने थ्रोम्बस बनाया, थ्रोम्बस से एम्बुलस बना, और एम्बुलस कहीं भी जाके कॉर्नरी आर्टरी ऑक्लूड कर देता है। दूसरी रीज़न ये है कि जो एथरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स हैं उनकी जो उनकी वजह से जो कॉर्नरी वेसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकती है, और नर्वस रिफ्लेक्सेस की वजह से भी कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है इसी में, व्हाट इज़ द लाइफ सेविंग वैल्यू ऑफ कोलेट्रल सर्कुलेशन इन कॉर्नरी सर्कुलेशन। कोलेट्रल सर्कुलेशन का मतलब होता है सिक्योरिटी सर्कुलेशन, यानी जब कॉर्नरी ब्लड वेसल्स डैमेज हुए तो एक सिक्योरिटी सर्कुलेशन डेवलप हो जाती है जिसको कोलेट्रल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। द डिग्री ऑफ डैमेज टू द हार्ट मसल कॉज्ड बाय स्लोली डिवेलपिंग atherosclerotic constriction of the coronary arteries or by sudden coronary occlusion is determined to a great extent by the degree of collateral circulation that has already developed or that can open within minutes after the occlusion. ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है, मैं आपको थोड़ा उर्दू में बता दूँ कि जब कॉर्नरी आर्टरी ऑक्लूड होती है, कॉर्नरी आर्टरी ऑक्लूड हुई तो
अब ये डिपेंड कर कितना हार्ट मसल डैमेज हुआ, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कोलैटरल सर्कुलेशन जो है वो कितनी देर में ओपन हुई, ठीक है, कोलैटरल सर्कुलेशन कितनी देर में डेवलप हुई, और अगर विद इन फ्यू मिनट्स, फर्स्ट फ्यू मिनट्स में ओपन हो जाए तो डैमेज कम होता है, और अगर कोलैटरल सर्कुलेशन यानी सिक्योरिटी सर्कुलेशन, वो सर्कुलेशन जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है, वो अगर देर से ओपन हो तो डैमेज डेफिनेटली ज़्यादा होता है।